हम बात कर रहे हैं कि आखिर वीवीए होता क्या है। देखिए, वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अरे कंफ्यूजन दूर रखिए कि ये कोई वीवी सिक्स नहीं है, ये VV.NET नहीं है या वीवी स्टूडियो नहीं, राइट? क्योंकि इन सब से वीवी सिक्स, VV.NET, वीवी स्टूडियो से जो है आप एक नए एप्लीकेशन को बनाते हैं, आप एक नया एप्लीकेशन बनाते हैं। लेकिन वीवीए के साथ आप पुराने एप्लीकेशन, जो हमारा एक्सेल है या एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन, में नए फीचर्स को डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? नए फीचर्स को डेवलप करते हैं, ठीक है? तो फीचर क्या क्या होता है? तो पहला होता है मैक्रोज, दूसरा होता है फंक्शन, तीसरा होता है हमारा यूजर फॉर्म। अब मैक्रोज क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जो मैक्रोज हमारा होता है एक टूल्स होता है, एक ऑटो पायलट कर सकते हैं, इसको ट्रिगर करते ही आप लोगों का ऑटोमेशन शुरू हो जाता है। तो क्या होता है ऑटोमेशन? तो चलिए एक सिंपल सा हम आपके सामने, एक हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे ही एक विचित्र पटनायक जी हैं, उन्हीं का है, विचित्र जी का है प्रॉब्लम। बेसिकली उनके पास कुछ कमेंट्स आते हैं, जो कमेंट आप देख पा रहे हैं ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं, ठीक है? और चाहते हैं कि उनके कमेंट्स में इसमें से कोई भी वर्ड, जो आप वर्ड लिख रहा है इसमें से कोई भी वर्ड अगर एग्जिस्ट हो रहा है उसको हाईलाइट कर दें। अभी थोड़ा देर पहले ही उन्होंने पूछा है तो मैं सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूं। गोपाल जी, आपको भी पता चल जाए कि वीवी सब करता गया है। तो अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि लाइव एग्जाम्पल, ऐसी कोई मन से बनाया हुआ नहीं, एक लाइव एग्जाम्पल है। बेसिकली उनका कुछ कुछ सोशल मीडिया टाइप का कुछ चलता है, तो उनके जो पोस्ट है और उनके जो चीजें है उस पर लोग कमेंट करते हैं। अब लाखों लोग कमेंट करते हैं तो सारे कमेंट को पढ़ पाना मुश्किल है, क्या गोपाल जी? गोपाल जी आई थिंक आप म्यूट है, अनम्यूट करें तो मैं सुन पाऊंगा। लाखों कमेंट को पढ़ना मुश्किल है, तो वो चाहते हैं कि जिन्होंने वैड वर्ड, मतलब कि ऐसे ही वर्गल वर्ड का यूज किया है, ऐसे कमेंट को हम क्या करते हैं, हटा देंगे, वैसे कमेंट को हम रीड नहीं करेंगे, ठीक है? क्लियर है सर? जी जी सर, सुन रहा हूँ। तो इसके लिए चलिए हम आपके सामने प्रोग्रामिंग लिखते हैं। प्रोग्रामिंग लिखने के लिए मैंने डेवलपर बार के अंदर विजुअल बेसिक पे क्लिक किया, इंसर्ट मॉड्यूल किया, यहाँ पे सब्जेक्ट और हमने यहाँ पे चेक करके लिया, या कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली जो डेटा हमारा है ना उस एरिया को हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम देते हैं कि टीम आर एज ए रेंज, ऐसे एक डेलिया डिफाइन कर लिया कि आर एक रेंज, जैसे मैथमेटिक्स में आप एक्स वाई जेड लेते हैं ना, सपोज एक्स इक्वल टू 100, लाइक दैट हमने बोल दिया आर एक रेंज है। फिर यहाँ पे हम लगाते हैं लूप फॉर ईच आर इन सिलेक्शन। अब इसमें क्या है कि आप पहली बार देख रहे होंगे कोड, या कोड है नहीं आपके पास तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी क्या हो रहा है। अब देखिए कोड कर रहा हूं और करने के बाद क्या काम कर रहा है, इजिली क्या काम कर रहा है, ठीक है? फिर dim k as a range, एक बार और हम यहां पे करते हैं k in sheet, seats, ये कौन सा सीट है, जंक सीट है, जंक डॉट रेंज ए टू से और हमारा 56 है। हाँ
और फिर यहाँ पे नेक्स्ट के कर देते हैं। अब यहाँ पे करते हैं इफ इन एस टी आर। अब इन एस टी आर क्या है? जैसे मान लीजिए हमें एक वर्ड पता करना है कि जो सिट है ए वर्ड इसके अंदर एग्जिस्ट है या नहीं, तो इसके लिए दो तरीका है। पहला तरीका है कि मैं काउंट इफ का कॉमा लगाऊं, काउंट इफ में पूरा रेंज सेलेक्ट कर सकता हूं, कॉमा इसके साथ हम एंड परसेंट इसको दे रहे हैं और फिर वापस एंड परसेंट दे रहे हैं, ये बता देगा है या नहीं, कंटेन हो जाता है। ठीक है, या दूसरा है कि मैं यहां पे लगाऊं फॉर्मूला फाइंड का, फाइंड फॉर्मूला इसको सेलेक्ट करेगा और एक सेल के अंदर लुकअप करके बताएगा कि डेटा है या नहीं, तो वैल्यू आया मतलब कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इसमें गुड ढूंढना है कि गुड है या नहीं, इसमें गुड है बता दिया, नंबर दे दिया, तो हम काउंट इफ नहीं लेते, कोई हमें चेक भी करना है किसमें है या नहीं है, काउंट इफ चेक नहीं करने देगा, इसलिए हमने लगाया इन एस टी आर आर। इसे ढूंढना क्या है, तो ढूंढना है के डॉट वैल्यू, नहीं वन कॉमा आर के आर डॉट वैल्यू के अंदर के डॉट वैल्यू is greater than zero that k dot interior dot color equal to vv red और यहां पे add, बस इसी प्रोसीजर को वो बार बार चलता रहेगा। सिंपल सा कोड हमने रन कर दिया। अब इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं और अपना मैक्रो को रन कर देते हैं। सॉरी हमने गलत कोड कर दिया, हमें के नहीं आर करना चाहिए। अब सही, तो ए वर्ड अगर इसमें एग्जिस्ट करेगा तो कर देगा उसको कलर, कर दिया कि इसमें वर्ड इसमें था और इसमें था, हेड रिस्पॉन्स था इसमें हेड है, समझे? तो अब सोचिए कि ऐसे उनके पास लाखों कमेंट और ऐसे उनके पास लाखों अनऑफिशियल वर्ड थे और मैंने कुछ लाइंस की कोडिंग लिखी और यहाँ पे वो हाईलाइट हो गया, तो हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट की जगह पे उसको हम कॉपी करके अलग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और कुछ मिनट का टाइम लगा। इसमें हम जो एक्सेल्स के फॉर्मूले लगाते हैं, जैसे सामने काउंटेप्स अगर लगाते हैं वीबीए में, तो उसका आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कैसे क्या लगा सकते हैं, जैसे ऑटो मेल हो जाता है तो इससे क्या होता है? एक सेकंड रुकिए, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार हेडफोन यूज कर रहा हूँ, फिर बताइएगा। हेलो, हाँ अब आ रही है क्या सर आवाज? एक मिनट, अब बोलिए सर। अब आ रही है क्या आवाज? हाँ आप सही आ रही है। सर इसमें जो हम फॉर्मूले देखते हैं, जैसे एक्सेल में कॉमन फॉर्मूले यूज करते हैं, सामने काउंट वगैरह वगैरह, तो ये हम इसमें मतलब पुट कर सकते हैं? देखिए एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूले हैं उस जानिए, एक्सेल के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि वीबीए में डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम बात करें टुडे का, हमने टुडे फॉर्मूला लगाया, एक टुडे फॉर्मूला सपोर्ट,
टुडे नहीं कर रहा, माफ कीजिएगा, जैसे कि मंथ का पहला नीचे एक्सप्रेशन आ गया। ऐसे ही आपका अगर हम देखते हैं लेन का फॉर्मूला, ऐसे ही देखते हैं लेफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने दिया ईओ मंथ का फॉर्मूला या वी लुकअप का ही मान लीजिए कि वी लुकअप का फॉर्मूला दिया, तो ब्रैकेट ओपन करते सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जो फॉर्मूले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग लाते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप, समझे? कुछ फॉर्मूले यूज नहीं होते हैं। अच्छा। ठीक है ना, कुछ फॉर्मूले इसमें जैसे कि टुडे की हम बात करें तो टुडे फॉर्मूला नहीं है, नहीं है ना, देखिए नहीं है, क्योंकि टुडे का ऑलरेडी है, ऑलरेडी टुडे का फॉर्मूला एक्सेल में डेट है। और कुछ एक्सेल का फॉर्मूले यहाँ पे आके चेंज होते हैं, जैसे कि डेट फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए फाइंड फॉर्मूला है, फाइंड फॉर्मूला हमने इनिस्टार लगाया है ना, इसका यूज हम फाइंड से भी कर सकते हैं, लेकिन फाइंड यहाँ यूज नहीं किया क्योंकि फाइंड रिटर्न करेगा एरर, लेकिन ये रिटर्न किया वैल्यू, ठीक है, क्लियर है जी। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पे करते हैं, जो भी अभी आपके सामने हमने डिस्कस किया। तो वीवीए प्रोग्रामिंग जो है, मैं बात कर रहे थे वीवीए पे वापस आते हैं, तो वीवीए प्रोग्रामिंग आपका माइक्रो फंक्शन, फंक्शन मतलब जो एक्सेल के जो फॉर्मूले है ना, इस तरह के खुद के फॉर्मूले आप बना सकते हैं। अगर कोई फॉर्मूला नहीं है तो खुद के फॉर्मूले आप बना सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, जैसे कि अभी आपने इसको देखा, अभी मान लीजिए कि मैंने अभी जो माइक्रो फंक्शन बनाया, तो इसमें क्या हुआ कि ये ऑटोमेटेड तो नहीं है ना, मुझे एवरी टाइम अपने अपडेट करने के लिए इसको रन करना पड़ेगा ना। तो इसको आप एक काम कर सकते हैं कि इसको जो है हम इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट फंक्शन बना देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे हम यहाँ पे दे देते हैं फंक्शन, फंक्शन और यहाँ पे सी एच के नाम से बना देते हैं, ठीक है। और एन एज ए हमने दे दिया रेंज, कॉमा एन टू एज ए रेंज, ठीक है। दो ले लिया हमने, और ये सिलेक्शन की जगह पे हम दे देंगे रेंज, तब इसमें जो है ना, तब इसमें इसमें दो फोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें हम आर हटा देते हैं, और ये जो रेंज सीट रेंज करके आ रहा है इसको हटा के हम कर देते हैं एन टू, और ये जो पहला एन है उसको कर देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। और आर डॉट वैल्यू के जगह पे हम कर देते हैं एन, ठीक है। और रिटर्न यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, हमने दे देते हैं सी एच के इक्वल टू टू, कोई भी एक रिजल्ट देना होगा। अब देखिए हम यहाँ पे आते हैं, हम इसको एक बार यहाँ पे आते हैं इक्वल सी एच के, फॉर्मूला आ गया, इसको सेलेक्ट कर लिया, और इसमें हम जाके जंक रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, आ गया ट्रू, यस सर। तो एक फॉर्मूला हो गया, तो आप अपने लिए खुद के फॉर्मूले भी बना सकते हैं। अब इससे फायदा ये हुआ कि जैसे इसमें कुछ चेंज होगा तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा, ठीक है। तो खुद के फॉर्मूले भी बना सकते हैं पहले, उसके बाद दूसरा आता है इसमें यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म इट मींस आप अपने लिए इस तरह का पॉपअप डिजाइन कर सकते हैं।
ठीक है, इस तरह जो पॉपअप होते हैं ये पॉपअप आप डिजाइन कर सकते हैं। अब इसकी ड्यूरेशन की बात करो, इस कोर्स को लेते हैं आपका, तो ये तकरीबन 45 टू 55 आवर्स का, तकरीबन आपको 2.5 महीने के आसपास लग जाता है। अच्छा ठीक है, 2.5 मंथ जो है आपको लग जाएगा इसमें। डेली का क्लास रहेगा, हाँ मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, और क्लास की जो ड्यूरेशन है वो आपका 45 मिनट के आसपास होता है। ड्यूरेशन एवरेज है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डिपेंड करता है आपके लर्निंग स्टाइल। ठीक है, अभी वी पे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, मतलब आप जो भी बता रहे थे लूप वगैरह वगैरह जो भी इंटीजर वगैरह कुछ भी नहीं बताया, तो जो पेयरिंग होगी सर जीरो से है ना, मतलब जी हाँ, आपको हम हर एक चीज को बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे हर एक चीज। नहीं तो क्या होता है सर, अभी जस्ट मैंने एक एसक्यूएल का क्लास लिया था, वही दिल्ली से ही लिया था, तो उन्होंने क्या स्टार्टिंग में जब तक हमने फीस पे नहीं किया तब तक हमने डिटेल में पढ़ा, और फिर सारी चीजें बताना स्टार्ट कर दी। देखिए मेरा 55 घंटे का है सर, और मेरे पास रीज्वाइनिंग फ्री है, पहले जान लीजिए 55 घंटे का ड्यूरेशन एवरेज है। हम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको चार्ज नहीं करते, हम चार्ज करते हैं आपको कंटेंट के हिसाब से। 55 घंटे के ड्यूरेशन अगर 60-65 घंटे भी चला जाता है फिर भी आपके पास उसको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। दूसरी, मेरे पास रीज्वाइनिंग फ्री होती है, मतलब अगर आपको एक बार में आपको समझ में नहीं है, आपको ऐसा लगा कि आप नहीं सीख पाए, या फिर सीखने के 6 महीने साल बाद आपको लगा कि आपने यूज नहीं किया, आप मोस्ट चीजें भूल गए, तो आप मेरे किसी भी रनिंग बैच पे आए और चीज को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि क्या है कैसे नहीं है, तो जो क्लासेस हम आपको देते हैं उसी की रिकॉर्डेड सेशन हमारा ऐप पे पड़ा है। ठीक है, हमें जो हम जो क्लास लेंगे सर, जैसे सपोज मैंने स्टार्ट किया और जो क्लास लिया आपसे, हाँ, तो उसका रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा या फिर अदर क्लासेस का रिकॉर्ड? आप जब क्लास लेते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग जूम आपको खुद ब खुद कर देगा। अभी आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, जैसे आप रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जूम आपको रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा, और उस क्लास खत्म होती सिस्टम पे डाल देगा। तो आप जो क्लास लेंगे उसकी रिकॉर्डिंग तो डेली बेसिस पे जूम आपको दे ही देगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर क्लासेस इसकी आपको डायरेक्ट क्लासेस नहीं लेना है, आप रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा XLMIS ट्रेनिंग, ठीक है। इसी के अंदर आप बात करें, मैं बता देता हूँ कि किस तरह की क्लासेस है। तो इस ऐप को जब डाउनलोड करेंगे, इसके स्टोर वाले सेक्शन में आप जाते हैं, ये ऐप का वेब व्यू है, इसी में हमारा ये VVM माइक्रो प्रोग्रामिंग दिख पा रहा है आपको। अब इसमें देखिए टोटल 142 वीडियोज है, 21 फाइल है, 10 ईयर की वैलिडिटी है, और इसको जो है 3000 का इसकी प्राइस है। अगर इसी की बात करें कंटेंट क्या है, देखिए 140 वीडियो दिखा है आपको यहाँ पे, और जब इसको ऑन ओपन करेंगे तो इसके दो सेक्शन है, VVM प्रोग्रामिंग और रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो VVM प्रोग्रामिंग जब क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि वीडियो की, देखिए यहाँ पे वीडियो आपके डिटेल में, देखिए 16 मिनट का, 18 मिनट का, 49 मिनट है, 57 मिनट है, 32 मिनट है, और सारे वीडियोस टॉपिक में। अब 41 मिनट मैंने आपको पढ़ाया है तो ऐसे ही तो नहीं पढ़ाया होगा ना सर, आप देख पा रहे हैं कि वीडियो की क्वांटिटी कितनी है। 96 वीडियो अगर आधे घंटे की बात करें तो 45 मिनट के आसपास का तो यही आपको हो जाता है, ठीक है। जो हम लेक्चर्स जो लेंगे, सपोज मैं ये वीडियो नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट क्लास ज्वाइन करता हूँ, तो ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी? जी हाँ जी हाँ, ये सब क्लासेस की वीडियोज है, मैंने स्पेशली नहीं रिकॉर्ड किया हुआ है। इसमें अनलॉक वीडियो जो होगा आप देखेंगे, जो अनलॉक वीडियो है वो कोई कोई क्लासेस चल रहा है इसी की, देख लीजिए तो क्लासेस पढ़ा रहा हूँ मैं सर, ये क्लासेस है, 12 बजे की क्लासेस चल रही है, इससे बता रहा हूँ, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, इसमें बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब कि इसको मैंने स्पेशली रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, मैंने एक बैच की रिकॉर्डिंग पर डाल दी। और सर दूसरी चीज है ना सर, मैं 13 ईयर से मैं इस फील्ड में, 2007 में मैंने अपनी पहली क्लास ऑनलाइन शुरू किया था,
यूट्यूब पे 6,000 से ऊपर वीडियोज है, लिंक्डइन में तकरीबन 10,000 के आसपास कनेक्शंस है, फेसबुक पे भी 5,000-6,000 कनेक्शंस है। आप जाके मेरी हर एक पोस्ट और पेज को देख सकते हैं कि किसी बच्चे ने नेगेटिव कमेंट नहीं किया हुआ है। नहीं, वो एक्चुअली संजीव ने नंबर दिया था सर आपका, वहां हमने ठीक ही बोला कि वो सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो बेसिकली मेरे बैच में 2-3 लोग ही होते हैं सर, तो जाहिर सी बात है मुझे क्वालिटी देना ही है। बड़ा बैच तो होता नहीं कि हाँ, और ना टाइम का बाउंडेशन होता है कि 2 महीने में बैच खत्म कर देना है। जी सर, ऐसी बाउंडेशन तो है ही नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि ड्यूरेशन एवरेज है। सर VBA का ओवर हम जैसे एक्सेल में, जैसे मुझे तो ज्यादा नहीं पता VBA के बारे में, एक दो ही मैंने क्वेरी थोड़ा